आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग तीन के, भारतीय संविधान के भाग तीन के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया है। हम भारतीय संविधान में भाग तीन को मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी मौलिक अधिकारों का जो है वो वर्णन किया गया है भाग तीन के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। मौलिक अधिकार जो है या हमारे मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमारा मूल अधिकार लिया गया है। पहले हमारे ये मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 1974 में संशोधन करके अब सिर्फ 6 हो गए, जो कि हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 1974 के बाद। तो अब हमारे मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं। आज की इस वीडियो में हम दो अनुच्छेदों के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद 12 फिर 13, इन दो अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे और फिर 14 से लेके 35 तक जो है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। हम मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर की, तो मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इसके अधिकारों की गारंटी है वो खुद संविधान देता है। हमारा भारतीय संविधान जो है मूल अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन कानूनी अधिकार में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बात करें कि संविधान हमारे कैसे मूल अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट हमारे अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। बात करते हैं हम अनुच्छेद 12 में, क्योंकि जब भाग तीन की जो शुरुआत हुई अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और अनुच्छेद 12 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में सबसे पहली बात करी गई है उद्देश्य की, कि क्या क्या वर्णन है, इस मौलिक अधिकार को लाने के पीछे की क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, किन कारणों से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया जा रहा है, वो जो बात है वो अनुच्छेद 12 में है, इसकी परिभाषा दी गई है। दूसरी बात, इसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य चाहे तो कानून बनवाने के लिए नीति या नियम बना सकता है, पर शर्त यही होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना हो। अब यहाँ पे डिफाइन करना ये चाहिए कि राज्य क्या है, तो भारतीय संविधान में जो राज्य को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है केंद्र सरकार से। दूसरा किया गया है राज्य सरकार से, और तीसरा किया गया है स्थानीय सरकार से, और चौथा किया गया है अन्य निकाय। यानी ये सारी संस्था यानी राज्य जो है वो कोई भी कानून बना सकती है, नीति नियम लागू कर सकती है, लेकिन शर्त इनकी यही है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उन नीति नियम के द्वारा हनन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन होता है इन राज्य के द्वारा, तो सीधा सीधी अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त होता है, और उसके ऊपर कानूनी यानी जो कार्रवाई है न्यायालय कार्रवाई वो करी जाएगी। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार समझ में आ गया, राज्य सरकार समझ में आ गया, स्थानीय सरकार समझ में आ गया, लेकिन अन्य निकाय क्या? अन्य निकाय का यहाँ पे सीधा सीधी मतलब है यानी सरकार के द्वारा सहभागी होकर जो कार्य करती, जैसे कि ONGC कंपनी जो है वो अन्य निकाय में, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, साथ में LIC, ये सारी जो संस्था है वो अन्य निकाय में आती है, यानी इनके द्वारा जो है ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, कोई नियम कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी शर्त यही कि उन कानून नियम के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का किसी भी प्रकार हनन ना हो। अगर नहीं होता है तो ठीक है, अगर होता है तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेहिता इनकी होती है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार असंगत या अल्पीकरण होने पर जो है वो मूल अधिकार की जो विधि है वो शून्य हो जाएगी,
वो जो विधि है वो शून्य हो जाएगी। जिस कारण से मूल अधिकार असंगत या अल्पीकरण हो रहा है वो जो विधि है वो शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, असंगत या अल्पीकरण यानी अगर आप किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है आपके कारण, तो आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। दूसरी बात कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो कई ऐसी प्रथाएं थी जो कि पिछले से चली आ रही थी, तो उन प्रथाओं को आगे किया, लेकिन उनमें एक बात ये जोड़ी गई कि ये प्रथाएं आगे निरंतर चलती रहेगी, लेकिन इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, अगर उनमें भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सीधी शून्य मानी जाएगी, उन अध्यादेशों को, उन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। अगर किसी भी कानून या किसी भी सरकार के द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने की कोशिश करी जाती है, तो इन सारे जो मूल वो जो अध्यादेश हैं या कानून हैं उनको रद्द माना जाएगा, उनको शून्य माना जाएगा। तो यही था अनुच्छेद 12 और 13। आगे की वीडियो में अनुच्छेद 14 के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे।